फिर देखो सब बातें कैसी नहीं थी। खान पान असल हम साफ कहती, अरे कुछ भी है दिन को खाओ रात को खाओ, हम तो फॉरेनर्स को देती। कैसे वो अपनी फ्रिज भी रखते, सारा हफ्ते का सारा खाना बना के उसमें रखते थे, सारा सप्ताह उसे खा। कितना हार्ड वर्क करते वो तो मैंने उनको भी। आप लोग भी अगर कुछ नहीं है तो वो बेहतर है, अरे अपना कुछ भी ऐसा खाना बनाओ, ब्रेड बना के अपना ओवन, अच्छा वो बेहतर है, छोटा भी जरा सा 500-505 खर्च करके चीज बना के ओवन का रख दो, फिर खाते रहो। थोड़ा तो जरूर ऋषि बनना है तो थोड़ा तो खान पान को कंट्रोल तो करना होगा। खाऊं मैं 36 प्रकार का, पर खाऊं मैं मजे का, लेकिन खाऊं मैं पवित्र, घर नहीं मिल सकता तो थोड़ा तो कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए नहीं, मुझे तो भोजन बहुत 36 प्रकार का खाना है, स्वादी खाना है, ये खाना है, इसलिए मुझे तो सेंटर से खाना मिलना चाहिए। रॉन्ग, ये विचार कभी नहीं करो। सेंटर से भोजन खाना ये तो कभी सोचूंगी, इससे हम तो अनुभव कर चुकी हूँ अनेक केस और नुकसान। अब कभी नहीं ये तंग करो कि हम तो सेंटर में खाऊं, नहीं कभी नहीं। सेंटर के खाने का हमें तो सेंटर का खाना मिलेगा, भोग का मिलेगा, योग का मिलेगा, अच्छा मिलेगा। ये अच्छा नहीं है, ये इच्छा। हमें इस इच्छा को भी मानना, थोड़ा तो तपस्या में अपने को कठोर भी करना तो पड़ेगा, थोड़ा तो हट ये जीव का आसक्ति का हट तो छोड़ना पड़ेगा, इसको भी तो त्याग कर। जो मिले जैसा मिले सहज से खाओ, जैसा सहज मिले सो दूध बराबर हो, नहीं तो बड़ी कई फिर एक बात से दूसरी बातों का चक्कर। फिर आप सब सियाने हो, हम फिर कईयों की बात होंगी, थोड़ा दिन के टाइम में बैठ जाएंगे, फिर कभी आपस में पार्टी बना के बाहर बातें करेंगे, कभी सेंटर में चलो बहने बहुत ज्ञान अच्छा सुनाती है। जो टीचर ऐसा लूज करती सेंटर को, वो दूसरों में ईर्ष्या पैदा करती। बोला ईर्ष्या नहीं बनाओ, न मैं खुद करूं न दूसरों को करूं, न तो टीचर्स के लिए भी कहती आप लोगों को भी। इसलिए ऐसे व्यवहार हल्का बनाओ, अपना प्यार से आओ सेवा करो, मैल के ज्ञान से सेवा करो, अपनी रूह रहान करो, अपना ज्ञान का मथन करो, संडे है मीटिंग करो, प्लान करो, अपनी तपस्या करो, यह है, फिर अपना टाइम पर चलिए। लेकिन किसकी लगन बहुत सेंटर से होती, अच्छा लगन तो बाबा से रखना चाहिए, लेकिन फिर उसमें जो लूज पना हो जाता वो लूज पना रॉन्ग। आप लोग कभी भी अपने को लूज नहीं करो, हम फ्रेशता है ऐसी स्थिति। लाइट का मतलब ये नहीं हंसो खेलो, खेलो हंसो मने नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं जो चंचलता दिख रहा है ये बड़ा चंचल, ऐसा रिमार्क कभी नहीं कोई कहे ये बालक बड़ा चंचल है, ये बहुत चंचलता करता है, ये क्यों रिमार्क ले भी? मैं कोई चंचल हूँ क्या? नहीं, मैं चंचल नहीं, चंचलता भी नहीं चाहिए, गंभीरता धीरवता ये हमारे दिव्य गुण है, ऐसे गुणवान बन और फिर सब गंभीर बन के अंतर्मुख बनो। तो ये तपस्या हमारे को पाठ दिया है अंतर्मुखी सदा, ये द्वैत भाव ये सब मते का छोड़ दो। और जो कई बार ग्रुप बन जाता नहीं, सब मेरा सारा क्लास मीठा है प्यारा है, पार्टी बाजी में उससे मैं कहती हूँ वो जो है ना राजनीति, कोई पार्टी बनाता मैं कहती हूँ तू भी राजनीति, राजनीति में पार्टी, पार्टी बाजी, बाजी खेलनी है माया से, लेकिन जो पार्टी बनाता है ग्रुप, अच्छा पार्टी है ग्रुप रंग, वो वातावरण को खराब वो नहीं बने।
सब संगठन सर्व के सहयोग से क्या बनाना है, सुखमय संसार। कहते आप दादा थकते नहीं हो, ये क्या बात है, और क्या आपके अंदर शक्ति है जो आप लोग कितना भी काम करते हो सबसे ये करते हो, दादी चक्कर लगाती है। देखो ये बाबा पहली शक्ति है हमारे को, बाबा बाबा का हाथ है, बाबा का साथ है, और बाबा की शक्ति है, और बाबा के सेवा में खुशी है। इसलिए थक ऐसा तो मैं नहीं समझती हूँ कभी, हम कहूँ मैं तो आज थकी पड़ी हूँ ऐसा न फील होता न होता, टाइम पर आराम किया ठीक है, कभी थक होता भी है आराम किया, चलो थके हैं एक आधा घंटा आराम किया थक खत्म पूरा हुआ, आधा घंटा बहुत बहुत एक घंटा आराम करो सब तक खत्म, बाकी तो खुशी में उड़ते रहो चलते रहो तो तन भी मदद करता खुशी में, बाबा की खुशी से सेवा से बल मिलता और वो सेवा का बल शरीर को भी मदद करता। कहीं पूछते हैं दादी आपकी उम्र क्या है, मैं कहती हूँ अभी 70 शुरू हुआ 70, लेकिन मैं हमेशा समझती हूँ, हाँ मैं हमेशा समझती हूँ शायद मैं आप लोग जो इतनी 30-32 बरस की सदी वैसे समझते हम तो छोटे हैं, अभी हम इतनी छोटी हैं, कभी आता है क्या स्टूडेंट लाइफ। इसका कारण है ये भी है दादी ने, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, स्टडी से प्यार है और सेवा से प्यार, तो स्टडी से प्यार होने के कारण सदैव कभी ये अनुभव नहीं होता हम गृहस्थी है ना हूं ना थी ना कब ऐसा फील होता, हम स्टूडेंट हूं स्टूडेंट तो सदैव मस्त रहे, इसलिए हम लोग स्टूडेंट है। सारी प्रवृत्ति लेकिन प्रवृत्ति मेरी थोड़ी है बाबा की है, इसलिए कोई प्रवृत्ति नहीं, जमेले आते हैं फिर जमेले बाबा के है कि मेरे थोड़ी है। इसलिए ये इतना अच्छा हल है, सारे जमेले आते अच्छा आया, जमेला कुछ भी आया कई प्रकारों के जमेले आते आया, उसका बीचा किया राय दिया जवाब दिया बातूरी से, जमेला आया बाबा अब क्या करूं, बाबा बताता ऐसे करो हल दे दिया पूरी हो गया, नींद आती है अच्छी, मुझे ये सबको पता है कि दादी की नींद आप यहाँ आएंगे अच्छा दादी ये बात है, मैं कहता अच्छा ओम शांति, यूं किया मुझे पता ही नहीं आप खड़े भी हो या गए, मुझे ये भी नहीं है ना, ये बाबा की मदद है। मैं आप मिनट कहो मैं मिनट भी नहीं कहती, मैं सिर्फ ऐसा करूंगी एक सेकंड में नींद आएंगी, चाहे कितने भी झमेले से जाएंगी कमरे में, कई बार होता है झमेला हुआ ये हुआ अच्छा ओम शांति ये हुआ बस ऐसा किया और नींद आ जाएगी, पूछो कमरे में जो हमारे रहते उनको पता, हाँ नहीं देखो हम आपको बताएंगे, देखो मिसला आज समझो आप 500 कमाते, मैं कम से कम पे पर आती, आप 500 कमाते भले कहो कहो ये 400 आपके लिए, बाकी जो 100 है मुझे आने जाने, भाई कहो 100 है मैं ऐसे कुछ बैंक में रखता कुछ आने जाने में रखता हूँ कुछ आने जाने में रखता, अच्छा बहुत भी बहुत है, अगर बहुत कुछ है तो इतना ही कहो, देखो 400 आपका बाकी 100 मेरा, उसी से भी आपको बताऊं 25 बैंक में रखो 25 सेंटर में रखो 25 बाबा के भक्त के सेवा के लिए रखो 25 मधुबन के लिए आओ जाओ करो भेजो रखो, तो 100 है आपका 400 दिया माँ बाप को तो 400 तेरा है 100 मेरा, फिर भी कहे नहीं कहो अच्छा सारी तुम लियो मुझे जितना चाहिए उतना दियो बात खत्म, तो जितना आपको हाथ में खर्ची देवे उसी से जो चाहिए 5 रुपया भंडारी में डालो बात खत्म। अच्छा भले ना अच्छा 500 कमाया दियो तो 400 रखा तो अपना कमाई, अगर वो इसी पर भी नहीं को अच्छा सारी लियो अच्छा मुझे 20 रुपया दियो 25 रुपया दियो 25 रुपया से 5 रुपया भंडारी में डालो आप 10 रुपया अपना, बाकी मेरा इतना उसमें भी आपका भाग है, तो भाई मेरी इतना जरूर है वक्त पर है आप लोग को ही हम बैंक में भी रखो नहीं रखने देते तो नहीं रखो रखो तो अच्छी बात है बस, अब फिर उसके कारण झगड़ा नहीं करो का पहले ये पे है आप, और जो ओवर कई बार काम करते ये भी है
वो आपकी प्राइवेट है, बस खत्म, उसी से राजी बनो। युक्ति भी सीखो, होता है ना, होता है ना, अब समझ गए, बस उसी से दो। अच्छा ये पेट तुम्हारी है, कई बार युगल भी होते, मैं कहती हूँ कहो ये पेट तुम्हारी है, बाकी तुम ओवर करते वो तो तुम्हारा है, उसे तुम जो चाहो सो करो, उसे तो उनका मतलब नहीं। अच्छा तू खुश रहो, ये पे है, खा लो, जो खिलाओ। नमस्कार। बाकी जो ऊपर से मिलते वो बाबा का है, बस उसको बाबा में बांटो, हाँ ऊपर वाला, ऊपर का ऊपर वाले का, नीचे वाले का नीचे वालों को, समझा? हो गया सभी का प्रश्न उत्तर पूरा। परंतु इतना मैं जरूर कहती, अरे जितना भी हो उसी का जितना परसेंट में बैंक में भी रखो, सेंटर में भी दियो, जमा भी रखो, कभी ऊपर की कई सेवाएं भी होती, हाँ मधुबन में भी उतना। अरे बाबा कहते हैं गरीब का 5 रुपया भी बहुत बड़ी थी, आते हो जाते हो भेजते हो करते हो कार्य होता वो भी करो। अरे 100 कमाने वाले ने 10 रुपया 5 रुपया भी किया तो भी कमाई है, 1000 करने वाला 100 रुपया करता तो भी कमाई है, 5000 कमाने वाला 500 करता तो भी, लेकिन बुद्धि में बराबर, लेकिन उसके कारण अपनी स्थिति नहीं खराब। कहा ना युक्ति से, हाँ लो अम्मा तू खुश मैं खुश, चलो बात पूरी हुई। नहीं चलो, जैसा घर हो वैसा करो, अगर वो इसी पर खुश है तो खुश रखो, जैसे वो खुश रहे, आधा देना है आधा दियो, सारा मांगे सारा दियो, पौना मांगे पौना दियो, जितना वो देवे वो दियो। अगर नहीं, वो कहते बेटा तू कमाओ तुम रखो, जमा है चलो अच्छा हम जमा रखो, फिर भी माँ बाप है पढ़ाया है, बाबा कहते बच्चों को पढ़ाया है, आखिर पाला है, दोनों का लोन है, अच्छा खुशी से भी, अगर कुछ भी नहीं लेते 100-200 भी डाल दिया दे दिया तो भी खुश है, नहीं है तो कोई 100 अदा की कोई चीज लेके भी घर में डाल दिया, अपना कर्जा जो इतनी पालना ली है पढ़ाई की वो रिटर्न जरूर करो, ये भी कर्जा है माँ बाप, माँ बाप का कर्जा, माँ बाप को नाम मात्र भी दियो, नहीं लेते अच्छा नहीं लेते हैं कोई चीज ही लेके दे दिया तो भी ठीक है, क्योंकि ये भी खुश करने का तरीका है, क्योंकि पढ़ाया है पाला है कर्ज तो है। मैं समझा, हाँ सुनो बात, उसका जवाब ये है, देखो आज की दुनिया कलयुगी है, आप धोखा करके आप किसी के भी किसी भी ड्यूटी में तुम मुझे इतना दो तो मैं तेरा ये काम करूं, ये आपका दंड है, वो आप अपने तरफ से नहीं करो, परंतु दफ्तर ऊपर से ऐसे लेकर के ऑफिसर है सिस्टम है तो वो करते हैं आपको देते हैं, आप उसी में लेते हो भले कर, समझा मेरी बात है? वही मैंने कहा, आप उनको कहो मेरे को दियो, आप ऐसा धंधा अपना जोरी से नहीं कभी करो, लेकिन ऑफिस का कोई कनेक्शन ऐसा है अगर न करो तो आपको कहेगा गेट अप, फिर आप नौकरी छोड़ देंगे, वो आप अपने भले अपने हेड ऑफिसर से रह करके उनके अनुकूल करो, फिर कोई भी कहो भाई मैं तो नहीं करता, ये ऊपर ऑफिस का है, ऑफिस में मैं एक एज सर्वेंट हूँ और मैं नहीं करूँगा, तुम किसी को कहो मुझे ये इतना दियो तो मैं तेरा काम करूँगा, ऐसा किया तो तुम्हारा दंड, ऐसा तुम धोखे में नहीं आओ, समझे बात सीधा नहीं मेरी बात सुनो, तुम पर्सनल ऊपर की घुसखोरी जूठा मूठा ये करके और उनको दबाना भरना लेना अपने तरफ से ब्रह्मा कुमारों को नहीं, लेकिन कहाँ कहाँ मुझे पता है, एक ऐसा ऑफिस की मुझे कई बार बताते वो ऊपर से ले के यू करते वो करते, तो उसमें आपको जो मिलता है एज ओबीडियंट बन के आप लियो, आपको जो वो मिलता है लियो, और वो कोई ना कोई बाबा के कोई बेहद सेवा में, लेकिन इसके लिए आप अपने तरफ से नहीं कर, आप खुद करके ऐसा अपना काम नहीं, बाकी जैसे कमाई है बाबा कहते हैं कमाना तो आपका धंधा है, आज आप कहो मेरा तो खर्चा इसी के लिए और रुपया ही है मैं लेता भी रुपया हूँ, तो आप क्या दुकान का खर्चा खाएंगे या दुकान का खर्चा निकालेंगे, तो जरूर उसके रुपये आप रुपये के ऊपर में अपना एक आनी दो आनी तो खर्च खाएंगे ना, 10 पैसा नहीं खर्च कमाएंगे, तो उस रुपए के पीछे 10 पैसा कमाना तो आपका फर्ज है, ऐसे जो भी कर्तव्य करते उसी में 10 पैसा कमाना तो फर्ज है, परंतु एक होती है आदत,
जैसे आजकल ऑफिसरों में रुश्वत खोरी की एक आदत बन गई है, सीधा ही सीधा बोलेंगे तुम इतना मेरे को देंगे तो मैं इतना तब काम करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। ये गलत है। ये हमारे ब्रह्मा कुमार ऐसा नहीं वातावरण पर देगा तो करूंगा, नहीं कभी नहीं आपका। ताकि एक दफ्तर के हिसाब से या किसी भी हिसाब से आपको बंद के करना पड़ता तो आपकी उसमें मजबूरी, नहीं तो कहेंगे गए तो नहीं नहीं समझा, नहीं समझा, समझा देखो ये जैसा समय एक अपने तरफ से आदत मत डालो, कोशिश करते। परंतु कहा बाबा कहते जमाना कलयुग, समझा, समय कलयुग का है, व्यवहार में कलयुग है, सब करने वाले कलयुगी है, फिर आपकी कहां मजबूरी है तो आप किसी लाचारी से निमित्त कुछ करते हैं तो और बात है, लेकिन एक आदत नहीं डालो या इसी आधार पर अपना व्यवहार नहीं। लेकिन लाचारी समय की बलहारी से करना पड़ता, वो फिर अपनी जजमेंट चाहिए, जरूरी है तो, नहीं तो नहीं करो, समझा।